हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th के एनसीईआरटी का 6th चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके पिछले वीडियो में 4th पार्ट था, उसमें हमने डीएनए का रेप्लिकेशन और आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे, तो उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन और टाइप्स हमको आगे पढ़ना है, टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब मैंने आपको बताया था कि डीएनए से आरएनए सिंथेसिस करने की जो प्रोसेस है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, और इसके लिए जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसका मतलब मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, पॉलीमरेज दो टाइप के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज, दोनों जो है डीएनए डिपेंडेंट है, क्योंकि एनी हाउ डीएनए से डीएनए और डीएनए से आरएनए बन सकता है, आरएनए से आरएनए जनरली नहीं बनता है। टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करें तो यहाँ पर तीन प्रकार के आरएनए होते हैं जनरली। एक होता है आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, दूसरा होता है एम यानी कि मैसेंजर आरएनए, और तीसरा होता है ट्रांसफर यानी टीआरएनए। ये क्या क्या काम करते हैं मैं पहले बता दूं आपको। आरआरएनए कुछ प्रोटीन के साथ मिलकर के राइबोसोम को बनाते हैं, और ये दोनों चीज़ें यानी आरआरएनए और प्रोटीन जो राइबोसोम को बनाते हैं वो दोनों चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में बनते हैं। ठीक है, तो आरआरएनए प्रोटीन मिलके राइबोसोम बनाए हुए हैं। जो एमआरएनए है वो मैसेंजर आरएनए है, ये सिस्ट्रॉन से यानी फंक्शनल जीन से मैसेज लेके आता है राइबोसोम तक। न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस होते हैं इसमें, जिससे जेनेटिक कोड्स बनते हैं, और वो जेनेटिक कोड ही मैसेंजर का काम करते हैं, यानी कि राइबोसोम को ये मैसेज देते हैं कि आपको कौन कौन से अमीनो एसिड को जोड़ना है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाना है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है उनके बीच में, और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना है, और उन एमिनो एसिड को ला करके देता है टीआरएनए, इसलिए उसका नाम है ट्रांसफर आरएनए। तो ये तीन काम ये तीनों आरएनए करते हैं, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा जिम्मे जो है ये सभी आरएनए को दिया गया है। ठीक है, और इसका ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है ये हम अभी देखने वाले हैं। इन बैक्टीरिया देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। All three RNAs are needed to synthesize a protein in a cell. तो जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन बनाने के लिए सेल में तीनों RNA की आवश्यकता है। द एम आर एन ए प्रोवाइड्स द टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब है सांचा। तो सांचा इसलिए बोल रहा है ये क्योंकि एम आर एन ए में ही जेनेटिक कोड्स होते हैं, और उन जेनेटिक कोड्स के द्वारा ये निर्धारित होता है कि कौन कौन से अमीनो एसिड को जोड़ने हैं, है ना। और ये जब राइबोसोम से जुड़ता है, तो जब टीआरएनए आके राइबोसोम से जुड़ता है तो इन्हीं टीआरएनए और एमआरएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, और वो अपना एमिनो एसिड छोड़ के फिर आगे निकल लेता है। तो इस तरह से ये टेम्पलेट का काम करता है यानी मैसेंजर का काम करता है। टीआरएनए ब्रिंग्स एमिनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड। यहाँ पर लिखा है रीड द जेनेटिक कोड, क्योंकि टीआरएनए के पास एंटीकोडान होते हैं जो एमआरएनए के कोडान को रीड करते हैं, क्योंकि कोडान और एंटीकोडान एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब मैं समझाया हूँ कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी और जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, है ना। तो मान लो कि ए यू जी ये कोडान है एमआरएनए का पहला कोडान, तो टीआरएनए में इसका एंटीकोडान होगा यू ए सी, तो ये दोनों जो हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा यहाँ पर जुड़ जाएंगे, इसलिए ऐसा लिख रहा है कि कोडान को रीड करता है, जेनेटिक कोडान को रीड करता है टीआरएनए। एंड आर एन एन ए प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटेलिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ तो बता दिया मैंने, स्ट्रक्चरल रोल, क्योंकि आर आर एन ए राइबोसोम को बनाता है तो स्ट्रक्चरल रोल हुआ, और राइबोसोम में जो है पॉलीपेप्टाइड चेन को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो एंजाइम्स भी यहाँ पर होते हैं राइबोसोम के पास यानी आर आर एन ए के पास। तो आर आर एन ए स्ट्रक्चर भी बनाता है और कैटलिस्ट का भी काम करता है, इसलिए दोनों चीज़ें यहाँ पर लिखा है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस यानी पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। देयर इज सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटलाइजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। देखिए, बैक्टीरिया में आरएनए पॉलीमरेज केवल एक ही प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोट्स में, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है मैं बार बार बता चुका हूँ, उसमें एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज है, लेकिन यूकैरियोट में जैसे कि हम लोग हैं इनमें आरएनए पॉलीमरेज तीन प्रकार के होते हैं, और तीनों आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग आरएनए को बनाते हैं। कोई आरआरएनए को बना रहा है, कोई टीआरएनए को बना रहा है, कोई एमआरएनए को बना रहा है,
तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। इसको अभी मैं फिगर में आपको बताऊंगा कि प्रमोटर साइट का मतलब होता है डीएनए का वो पॉइंट जहां से हमको आरएनए बनाना शुरू करना है, मतलब वो इनिशिएशन पॉइंट है। तो वहां से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है सिग्मा फैक्टर के द्वारा। इनके पास सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर दो चीज़ें होती हैं। सिग्मा फैक्टर शुरुआत करता है, रो फैक्टर अंत करता है, टर्मिनेशन करता है। तो सिग्मा फैक्टर के द्वारा ये प्रमोटर साइट को यानी इनिशिएशन साइट को पहचानता है और रो फैक्टर के द्वारा ये टर्मिनेशन साइट को पहचानता है। तो इसकी प्रोसेस हम अभी देखेंगे। इट यूजेस न्यूक्लियोसाइट ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट। देखिए यहां पर जो चीज लिखा न्यूक्लियोसाइट ट्राइफॉस्फेट, इसका मतलब मैंने डीएनए का जो रेप्लिकेशन है उस समय बताया था। आपको पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक्चुअली न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट होते हैं, जैसे कि एएमपी, डीएएमपी, जीएमपी, डीजीएमपी, सीएमपी, डीसीएमपी, यूएमपी और डीटीएमपी। आठ होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। इसमें जो डी वाले लिखे हैं डी ए एम पी जी एम पी सी एम पी टी एम पी, जो डी 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 वाले लिखे हैं, इनका मतलब है डी ऑक्सी राइबो, ठीक है, क्योंकि इसमें डी ऑक्सी राइबो शुगर जुड़ा है। और बाकी जो चार हैं जिनमें डी नहीं लिखे हैं उनमें राइबो शुगर जुड़े हैं। तो बिना डी वाले जितने भी हैं इनका उपयोग हम करेंगे आरएनए बनाने में, ठीक है। और जितने डी वाले हैं इनका हम प्रयोग करते हैं डीएनए बनाने में। ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, पूरा नाम है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसाइन मतलब एक न्यूक्लियोसाइड हुआ। देखिए मैं आपको थोड़ा सा फिर से बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए तीन चीज़ें चाहिए, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। तो पहले नाइट्रोजिनस बेस और शुगर आपस में जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, फिर उसमें एक फॉस्फेट जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो न्यूक्लियोसाइड का जो नाम है वो एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, साइटिडीन, यूरिडीन, इस तरह का नाम होता है। फिर इसमें न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, तब उसका नाम हो जाता है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसाइन एक न्यूक्लियोसाइड, इसमें एक मोनोफॉस्फेट जुड़ा तो ये हो गया एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, अब ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, ऐसा हो गया। तो शुरू में जब न्यूक्लियोटाइड बनते हैं तो इनमें एक एक फॉस्फेट है, ठीक। लेकिन जब इन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ करके हम डीएनए या आरएनए बनाना चाहते हैं, यानी कि डीएनए का रिप्लिकेशन या आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन, उस समय ये जो मोनोफॉस्फेट्स हैं इनको हमको पहले ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। इनमें दो दो फॉस्फेट और जोड़ने पड़ते हैं जिससे ये ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो फॉस्फेट हम लेते हैं वो एटीपी से लेते हैं, क्योंकि एनी हाउ एटीपी के पास एनर्जेटिक बॉन्ड होते हैं, उस एनर्जेटिक बॉन्ड से फॉस्फेट को निकाल निकाल के हम इनमें जोड़ देते हैं तो वो एनर्जी इनमें आ जाते हैं। तो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट एटीपी से रिएक्ट करके एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट बन जाएगा, वैसे बाकी बनेंगे। तो इनमें जितने डी वाले थे इनको तो हम डीएनए में यूज़ कर लिए थे, अब जितना बिना डी वाले हैं इनको हम आरएनए बनाने में यूज़ करेंगे और ट्राईफॉस्फेट बना के यूज़ करेंगे। जैसा अभी मैंने बताया उसी को लिखा है, इट यूजेस न्यूक्लियोसाइट ट्राईफॉस्फेट एज अ सबस्ट्रेट, ठीक, समझ गए इसको। अब ये प्रोसेस है अभी बता रहा हूँ थोड़ा सा। एंड पॉलीमराइजेस इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। तो टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन, टेम्पलेट हम किसको यूज़ कर रहे हैं, हम डीएनए को टेम्पलेट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। फिर उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के द्वारा, मतलब डीएनए में अगर ए है तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा यू, जी है तो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा सी, अगर टी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा ए और सी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा जी। मतलब डीएनए में इस तरह का बेस है तो आरएनए में इस तरह के बेस पेयरिंग होंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। ये इस तरह से होते चले जाता है डीएनए को टेम्पलेट के तौर पे यूज करके। इट समहाउ आल्सो फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यूस इलोंगेशन। तो यहां पर चूंकि डीएनए जो है इस तरह से हेलिक्स में है और इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, बना हुआ है, तो हेलिक्स को सीधा करके इसको फिर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए बीच में आरएनए बनाना है हमको, ठीक है। ये देखिए ये हेलिक्स है,
इनको बीच में से हेलिक्स को तोड़ करके इसके अंदर आरएनए बना के इस आरएनए को रिलीज कराना है हमको, ठीक है। ये है, अभी बता रहा हूं मैं आपको। ओनली ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम, ठीक है। वंस द पॉलीमरेजेस रीचेस द टर्मिनेटर रीजन द नेसेंट आरएनए फॉल्स ऑफ, सो ऑल्सो द आरएनए पॉलीमरेज दिस रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देखिए थोड़ा समय आप इसको बता ही देता हूँ आपको, ताकि बार बार ये चीज़ें हमको बताए तो दिक्कत ना हो, ठीक है। ये एक डीएनए है, देखिए, ठीक। डीएनए में हमने देखा था दो स्ट्रैंड होते हैं, एक जो वास्तव में आरएनए बनाने का काम करता है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, लेकिन उसी को हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और दूसरा जो कुछ नहीं करता है उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ये स्ट्रैंडली कहा जाता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इसके पीछे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ऐसा नाम क्यों रखा गया, कि जो वास्तव में कोड करता है उसको नॉन कोडिंग कह दिया और जो कोड नहीं करता उसको कोडिंग कह दिया, लेकिन टेम्पलेट स्ट्रैंड हम कहते हैं जो कोड मतलब जो एक्चुअली काम करता है ना, उसको ध्यान रखेंगे। तो मान लो ये जो रेड वाला जो हमको स्ट्रैंड दिख रहा है ये हमारा काम का चीज़ है, ठीक है, जिससे हमको आरएनए बनाना है। अब डीएनए तो बहुत लंबा है, उसके छोटे से हिस्से से हमको आरएनए बनाना है, एमआरएनए या आरएनए टीआरएनए जो भी बनाना है, तो कहां से कहां तक बनाना है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको पहचानना है और जो एंड पॉइंट है कहीं पर भी उसको पहचानना है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ दो फैक्टर्स जुड़े होते हैं जो ये काम करते हैं, इनिशिएटर पॉइंट को यानी प्रमोटर साइट को पहचानने का और टर्मिनेटर साइट को पहचानने का काम, दो अलग से फैक्टर्स जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़े होते हैं वो ये काम करते हैं। प्रमोटर साइट को पहचानने का काम करता है सिग्मा फैक्टर, ये भी रहता है जैसा मैंने कहा आरएनए पॉलीमरेज के साथ, और टर्मिनेटर साइट को पहचानने का काम करता है रो फैक्टर, रो ऐसा लिखा जाता है, रो वही रो है, ये टर्मिनेटर साइट को पहचानता है। ये दोनों फैक्टर हैं आरएनए पॉलीमरेज के साथ। तो सबसे पहले क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज, ये जो हमको ये जो ब्राउन कलर में जो दिख रहा है ये पूरा आरएनए पॉलीमरेज है, इसके अंदर ये सिग्मा फैक्टर है, और वैसे ही देखिए आरएनए पॉलीमरेज और है जिसके अंदर ये रो फैक्टर भी है। तो ये दो फैक्टर, सिग्मा फैक्टर रो फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज के अंदर होते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर की सहायता से इनिशिएटर पॉइंट को पहचानता है और इसके साथ जुड़ जाता है, जो डीएनए है उसके साथ जुड़ जाता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है और तोड़ते हुए वो आगे बढ़ता है, ठीक। तो अब देखिए सिग्मा फैक्टर का काम खत्म हो गया, ये पहचान करने के तुरंत बाद बाहर निकल जाता है, ठीक। अब ये चालू हो गया बनना, आरएनए का मालिक्यूल बनना चालू हुआ। तो ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा और आरएनए का चेन लंबा होता चला जाएगा, ठीक। और अंत में इसके साथ ही जुड़ा हुआ है रो फैक्टर, वो टर्मिनेटर साइट को पहचान लेगा कि हाँ भाई यहाँ पर अपन को खत्म करना है। वहाँ से आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाता है और साथ ही साथ ये जो आरएनए मॉलिक्यूल बन रहा है ये आरएनए तो बनते बनते अलग भी होना शुरू हो जाता है, और ये जो डीएनए के चेन अलग हुए थे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के, ये पीछे से वापस जुड़ना भी शुरू हो जाते हैं। मतलब आरएनए आगे बनता जाता है, बाहर निकलते जाता है और डीएनए अपने पुराने फॉर्म में आते जाता है और ये लंबा होते चले जाता है। फिर टर्मिनेटर साइट में ये दोनों अलग हो जाते हैं, रो फैक्टर के साथ आरएनए पॉलीमरेज और साथ में आरएनए अलग हो जाता है। अब एक और चीज़ जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनिशिएटर पॉइंट और टर्मिनेटर पॉइंट तो पहचान लिया सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर ने, लेकिन बीच में जो आरएनए का चेन है इसको लंबा करने का काम यानी इलोंगेशन करने का काम तीन फैक्टर करते हैं, इलोंगेशन फैक्टर 1, 2 और 3 यहां पर होते हैं। इलोंगेशन फैक्टर ये चेन को लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इलोंगेशन फैक्टर 1, 2, 3 ये प्रोकैरियोट्स में होते हैं। यूकैरियोट्स में यहां पर करीब 14 फैक्टर्स खोजे गए हैं, आरबीसी के अंदर खोजे गए हैं 14 फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर ज्यादा होते हैं यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट में 3 फैक्टर हैं, इलोंगेशन फैक्टर 1, 2, 3 ये जो है आरएनए चेन को लंबा करने मदद करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट किया सिग्मा फैक्टर ने,
आगे बढ़ा आरएनए पॉलीमरेज इलॉन्गेशन फैक्टर 1, 2, 3 की सहायता से और अंत हो गया रो फैक्टर की सहायता से बाहर, दोनों चीजें बाहर, डीएनए अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। अब इस आरएनए के साथ यूकैरियोट में कैपिंग और टेलिंग भी किया जाता है, इसको भी बताता हूं मैं आपको, आगे चल के बताता हूं, ठीक है। अभी थोड़ा सा यहां पर पढ़ लेते हैं, जो लिखा हमने अभी समझा उसी को पढ़ लेते हैं पहले। एन इंट्रीग्यूजिंग क्वेश्चन इज दैट हाउ इज द आरएनए पॉलीमरेज एबल टू कैटेलाइज ऑल द 3 स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, ये 3 पॉइंट है यहां पर, विच आर इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, है ना। द आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन। देखिए इलॉन्गेशन फैक्टर तो आरएनए पॉलीमरेज का इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन इनिशिएशन और टर्मिनेशन के लिए दो अलग से फैक्टर लगते हैं, वो सिग्मा और रो फैक्टर, जो मैंने बताया। इट एसोसिएट्स ट्रांजिएंटली, ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरली, ठीक है, वो अलग भी हो जाएगा, जुड़ जाएगा, अलग हो जाएगा, जुड़ सकता है, मतलब सिग्मा फैक्टर रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ टेम्परेरली जुड़े होते हैं, परमानेंट नहीं जुड़े होते, इसलिए ट्रांजिएंटली विथ इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा एंड टर्मिनेशन फैक्टर रो टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। एक्सक्यूज मी, एसोसिएशन विद दीज फैक्टर्स alter the specificity of the RNA polymerase to either initiate or terminate the process, ठीक है। तो initiation के लिए sigma factor, termination के लिए rho factor अलग से जुड़े, लेकिन elongation factors ये RNA polymerase के अंदर ही रहते हैं, तो उसी का गुण है वो। In bacteria, since the mRNA does not require any processing to become active, देखिए prokaryote का जो RNA बना वो पूरी तरह से एक्टिव आरएनए रहता है, यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट में जो एमआरएनए बना उसमें कोडिंग, नॉन कोडिंग पार्ट रहते हैं, फिर उसकी कैपिंग, टेलिंग की जाती है, तब जो है वो एक्टिव आरएनए में बदलता है, एमआरएनए में बदलता है, लेकिन प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होता। और दूसरा चीज़ ये देखिए, जैसे ये प्रोकैरियोट है, यहाँ पर ये डीएनए है और यहीं पर राइबोसोम है, ठीक है। अब डीएनए से mRNA बन के निकलेगा और राइबोसोम से जुड़ के प्रोटीन बनाएगा, तो प्रोकैरियोट में ऐसा होता है कि mRNA पूरी तरह से बन भी नहीं पाया है, जो उसका सिरा बाहर निकलना चालू हो गया तो वो राइबोसोम के साथ जुड़ करके प्रोटीन बनाना शुरू भी कर देता है। तो mRNA इधर से बनता जा रहा है, अपना काम शुरू कर चुका है और प्रोटीन बनने का काम भी शुरू हो चुका है, ये प्रोकैरियोट में होता है। लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता, यूकैरियोट में mRNA पहले बनता है, HN RNA के नाम से बनता है, हेट्रो न्यूक्लियर RNA के नाम से बनता है, फिर उसमें कैपिंग, टेलिंग, इंट्रॉन्स को हटाना ये सब काम करते हैं, उसके बाद वो एक्टिव RNA में यानी mRNA में बदलता है, फिर वो अपना काम शुरू करता है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। इन बैक्टीरिया सिंस द mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव एंड ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, चूंकि वहाँ पर न्यूक्लियस अलग से नहीं है, साइटोप्लाज्म में ही डीएनए है, वहाँ से एमआरएनए बन रहा है, वहीं पर राइबोसोम है, सब कुछ एक ही जगह है, इसलिए काम इधर से चालू है तो इधर भी चालू हो जाता है। देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया, मैनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द एमआरएनए इज फुली ट्रांसक्राइब्ड। ये देखिए एमआरएनए पूरा बन भी नहीं पाया, अपना काम शुरू कर चुका है, कॉन्सिक्वेंटली द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कंप्लीट कपल्ड इन बैक्टीरिया, मतलब एक साथ चालू हो जाते हैं दोनों, एक तरफ से ट्रांसक्रिप्शन द्वारा एमआरएनए बन रहा है और वो एमआरएनए एक तरफ से बनते जा रहा है, दूसरी तरफ अपना काम शुरू करके प्रोटीन ट्रांसलेशन भी शुरू कर चुका है, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस शुरू कर चुका है। इन यूकैरियोट्स देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है। पहली कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यूकैरियोट में जैसा मैंने बताया एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है जो एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए तीनों को बना रहा है, लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं है। यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 तीन प्रकार के हैं और तीनों अलग अलग आरएनए को बना रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या है, आरएनए पॉलीमरेज 1 ये क्या को बना रहा है, आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए को ज्यादातर बना रहा है, ठीक है। देखिए आरआरएनए जो राइबोसोम बनाता है उसमें
जो आरआरएनए है वो कौन कौन से प्रकार के हैं, तो 28 एसआरएनए, 18 एसआरएनए और 5.8 एसआरएनए और एक और होता है 5 एसआरएनए। इतने सारे आरआरएनए होते हैं जो राइबोसोम को बनाते हैं। तो इसमें जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है ना, वो इतने आरआरएनए को तो बना देता है लेकिन इसको नहीं बना पाता, इसको आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है, 2 भी नहीं बनाता, 3 बनाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए को बनाया, आरएनए पॉलीमरेज 3 ये बनाता है टीआरएनए को, और साथ में इसका एक जो बचा हुआ आरआरएनए है इसको बना देता है, और एक बनाता है एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको। तो आरआरएनए को बनाया पॉलीमरेज 1, टीआरएनए को बनाया पॉलीमरेज 3, और पॉलीमरेज 2 बनाता है एमआरएनए को। ये तीन चीजें आपको बेसिकली याद रखना है, पॉलीमरेज 1 बनाया आरआरएनए को, पॉलीमरेज 2 बनाया एमआरएनए को, पॉलीमरेज 3 बनाया टीआरएनए को। इसके अलावा बाकी जो साथ में बना रहे हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है अगर हो सके तो। तो जो पॉलीमरेज 2 है एमआरएनए को बनाता है, लेकिन एमआरएनए शुरू में एचएनआरएनए के नाम से बनता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए के नाम से बनता है एमआरएनए यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में सीधा एमआरएनए बनता है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एमआरएनए एंड एचएनआरएनए, एचएन फ्रॉम हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। मैंने कहा प्रोकैरियोट में सीधा एमआरएनए बनता है, यूकैरियोट में पहले एचएनआरएनए बनता है, फिर एचएनआरएनए आगे चल के एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। ये क्या चीज होता है, देखिए एक्चुअली शुरू में जब एचएनआरएनए बनता है उस समय ये स्प्लिट आरएनए बनता है, स्प्लिट आरएनए एमआरएनए समझ लो, स्प्लिट एमआरएनए बनता है। अब ये क्या चीज होता है, देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो स्प्लिट जीन्स होते हैं, जैसे कि ये डीएनए है, ये स्प्लिट जीन है मान लो, तो इसमें कुछ हिस्सा काम करेगा कुछ हिस्सा नहीं करेगा, काम करेगा नहीं करेगा, काम करेगा नहीं करेगा, इस तरह से पैचेस में हिस्से पाए जाते हैं। क्या काम करेगा, प्रोटीन बनाने का, पॉलीपेप्टाइड बनाने का। यह अलग बात है कि डीएनए अपने सारे हिस्से से एमआरएनए बनाता है जरूर, लेकिन एमआरएनए के वही हिस्से जो है वो काम करेंगे, बाकी हिस्से काम नहीं करेंगे, ऐसा रहता है। तो ऐसे जीन्स को जिसमें जो है फंक्शनल नॉन फंक्शनल, फंक्शनल नॉन फंक्शनल पार्ट्स पाए जाते हैं, ऐसे जीन्स को अपन स्प्लिट जीन्स कहते हैं। उससे बना हुआ जो आरएनए है एमआरएनए उसको हम कहते हैं एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, क्योंकि ऐसे एमआरएनए में कुछ हिस्सा काम का है कुछ हिस्सा नहीं है, काम का है नहीं है, काम का है नहीं है। ये देखिए यहां पर आप ये वाला आप देखिए, ये एमआरएनए बन रहा है जो एचएनआरएनए है, देखिए कैसे हो रहा है। इसमें कुछ हिस्से जो पीले वाले हिस्से हैं ये काम के हैं, इनको हम एक्सॉन्स कहते हैं, क्योंकि यही जो है प्रोटीन ट्रांसलेशन को कर सकता है। लेकिन जो बाकी हिस्से हैं ये लाल वाले हिस्से, ये काम नहीं करते हैं, ये प्रोटीन बनाने का काम नहीं करेंगे, इनको हम इंट्रॉन्स कहते हैं। तो शुरू में जो एमआरएनए बना यूकैरियोट में उसमें काम वाले और नहीं काम वाले दो हिस्से पाए जाते हैं जगह 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 जगह, काम वाले हिस्सों को एक्सॉन्स, नहीं काम वाले हिस्सों को इंट्रॉन्स कहते हैं। इसलिए इस आरएनए को अपन एमआरएनए नहीं कहते, इसको अपन कहते हैं एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं इसको। अब इसको एक्चुअल एमआरएनए में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमको दो प्रोसेस करना है। एक प्रोसेस करना है हमको स्प्लिट जीन की स्प्लाइसिंग, मतलब जीन की नहीं आरएनए की, जीन तो वैसे ही रहेगा ना, जीन का आप कुछ नहीं कर सकते, आरएनए की, ये जो आरएनए आपने बनाया है इसकी हम कहते हैं करते हैं स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइस मतलब क्या होता है, आप वो जो फल फ्रूट्स की स्लाइसेस बनाते हो वैसी है। स्प्लाइसिंग का मतलब है इनमें से बेकार हिस्सों को काट के निकाल देते हैं, सिर्फ काम के हिस्सों को रखते हैं, इस प्रोसेस को अपन स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो ये देखिए ये जो बेकार हिस्से हैं ये ऐसे निकल के ऐसे राउंड शेप बना बना के यहां से हट रहे हैं, देखिए ये हट रहे हैं, ये हट गए हट गए हट गए। तो अब देखिए ये पूरा पीला वाला हिस्सा बचा है, सिर्फ एक्सॉन वाले हिस्से बचे हैं जो काम के हैं, जो इंट्रॉन वाले हिस्से हैं जो काम के नहीं थे
उनको हमने स्प्लाइसिंग के द्वारा हटा दिया, ठीक है। तो ये पहला प्रोसेस हुआ जो हमने एमआरएनए बनाने की प्रोसेस में किया, एचएनआरएनए को एमआरएनए बनाने का पहला काम। दो प्रोसेस होना है इसमें, एक तो स्प्लाइसिंग हमने किया। अब दूसरा प्रोसेस हम करते हैं, वो करते हैं कैपिंग और टेलिंग। कैपिंग टेलिंग क्या करते हैं, कैपिंग का मतलब शुरुआत वाले हिस्से में कैप जैसा लगाएंगे और अंतिम हिस्से में एक टेल जैसा लगा देंगे। तो कैपिंग हम क्या करते हैं, करते हैं मेथिलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए मेथिलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब क्या है, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट यानी वह जीएमपी, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसको आपने ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट किया तो ग्वानोसाइन मोनो सॉरी ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट बना, ठीक है, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट बना। अब इसके शुरुआत में मेथिल ग्रुप यानी सी एच थ्री ग्रुप भी जोड़ दिया तो मेथिलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट हुआ। देखिए मेथिलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक, इसको आपने जोड़ा। फिर से बताऊं क्या, फिर से बता देता हूं, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसको हमने ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदला और साथ में इसके साथ मेथिल जोड़ दिया तो मेथिलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट हमने शुरुआत में जोड़ा। दिस इज कॉल्ड कैपिंग, कैप लगा दिया हमने, कैपिंग, ठीक। और लास्ट में हम टेलिंग करते हैं, टेलिंग का मतलब एक टेल जोड़ देते हैं, टेल। ये हुआ पॉली ए टेल। अब ए टेल क्या है, ये है एडेनाइलिक एसिड यानी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, जो आठ न्यूक्लियोटाइड हमने पढ़े, इधर भी एक पढ़ा, इधर भी एक पढ़ा। एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट यानी एडेनाइलिक एसिड, इसके 200 न्यूक्लियोटाइड्स पीछे जोड़ते हैं। यहाँ पर सामने में हमने इसको एक ही जोड़ा है ना, ध्यान रखेंगे, लेकिन पीछे जो टेल बनाते हैं, कैप और टेल इसलिए कहा हमने, ठीक है। कैप का मतलब सिंपल एक ठो रहेगा, कैप रहेगा एक सिंगल पीस, टेल का मतलब लंबा। तो कितना लंबा, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट यानी एडेनाइलिक एसिड के 200 न्यूक्लियोटाइड हमने पीछे जोड़ दिया। ये हुआ कैपिंग और टेलिंग। तो दो प्रोसेस हमने किया, एक तो पहले हमने स्प्लाइसिंग किया, इंट्रॉन्स को हटाने का काम किया जिससे केवल एग्जॉन बचे, काम की चीज बचे, बिना काम की चीज हटा दिया, इसे स्प्लाइसिंग कहा। बाद में कैपिंग किया मेथिलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट के द्वारा, और टेलिंग किया हमने पॉली एडेनाइलेशन के द्वारा, मतलब एडेनाइलिक एसिड के 200 न्यूक्लियोटाइड पीछे जोड़ दिया। अब ये जो बना ये एक्चुअली एमआरएनए है, इससे पहले ये जो निकला था ये एचएनआरएनए था। मेरे हिसाब से एचएनआरएनए और एमआरएनए में अंतर अब आपको ठीक से क्लियर कट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, द सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ द एक्सॉन्स एंड द इंट्रॉन्स एंड आर नॉन फंक्शनल, ठीक है। तो शुरू में एक्सॉन इंट्रॉन दोनों पार्ट हैं और इसके लिए हमको स्प्लाइसिंग करना पड़ेगा जिसमें इंट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा और एग्जॉन्स को ज्वाइन करके एक सीधी चेन बनानी पड़ेगी, ठीक है। इतना काम करने के बाद एचएनआरएनए में हमने कैपिंग और टेलिंग किया, ठीक है। तो कैपिंग में हमने क्या किया, मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को जोड़ा, जो आपने ऐसा लिखा था ना, एम फिर ग्वानोसिन फिर ट्राइफॉस्फेट ऐसा लिखा था, वही है, एक जोड़ा हमने, है ना, फिफ्थ एंड में शुरू में जोड़ा हमने आरएनए के, यानी एचएनआरएनए, अभी तक उसको एचएनआरएनए कह रहे हैं। और टेलिंग में हमने क्या किया, 200 से 300 हमने एडेनाइलेट को जोड़ा, मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी एडेनाइलिक एसिड, ये दूसरा नाम है उसका, इसको जोड़ा थर्ड एंड पे, ठीक है। तो इससे जो है अब जो एचएनआरएनए है अब इसको हम एमआरएनए कह रहे हैं। अब ये जो है न्यूक्लियस से बाहर आएगा, अब बाहर आके राइबोसोम से जुड़ के ट्रांसलेशन का काम शुरू करेगा, ठीक है। अब इसको वर्ड वाइज नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, जो मैंने आपको बताया आपको ठीक से समझ में आ गया है। द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटी इज नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड, ठीक। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट प्रोबेबली एन एंशियंट फीचर ऑफ द जीनोम। देखिए हमने अभी पढ़ा स्प्लिट जीन, स्प्लिट जीन में आपने क्या कहा, कुछ काम का चीज है कुछ नहीं है, काम का है नहीं है, काम वाले एक्सॉन नहीं काम वाले इंट्रॉन, ये क्या प्रूफ करता है, क्यों है ऐसा। तो देखिए इसके पीछे जो मेन रीजन है वो इवोल्यूशन,
जब सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ इवोल्यूशन हुआ, तो बीच में जितने भी ऑर्गेनिज्म बनते चले गए वो अपने काम के जीन्स को बनाते चले गए, ठीक है, और बिना काम के पार्ट को वो सप्रेस करते चले गए। जैसे मान लो अभी वो एनिमल है जो पानी में रहता है, पानी में रहने के उसको गिल्स बनाने हैं, गिल्स के द्वारा सांस लेने हैं, पूरा सिस्टम जीन का काम कर रहा है। अब वो एनिमल धीरे धीरे लैंड एनिमल में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो जो जीन है जो गिल्स बनाता है, गिल को फंक्शनल करता है, वो जीन, वो वाला पार्ट अब लैंड एनिमल में सप्रेस होता चला जाएगा और लैंड एनिमल में लंग बनाने वाला जीन एक्टिव होता चला जाएगा। लेकिन वो गिल बनाने वाला जीन भी है और लंग बनाने वाला जीन भी है, यानी वो पार्ट भी है, तो वो उस डीएनए में गिल बनाने वाला जो पार्ट है वो इंट्रॉन कहलाएगा और जो लंग बनाने वाला पार्ट है वो एक्सॉन कहलाएगा, क्योंकि अब वो काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। दूसरा चीज़ ये है कि पहले चूंकि जो ऑर्गेनिज्म पहले बने थे उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल था, बाद में डीएनए जेनेटिक मटेरियल बना, है ना, तो उससे भी कुछ पार्ट इनएक्टिव पार्ट के रूप में रह गए डीएनए में, जो आरएनए को नहीं बनाना चाहते या आरएनए बन के वो आगे काम नहीं करना चाहता, ठीक है। तो उसी चीज को यहां पर लिखा है, द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। देखिए तो ये आरएनए वर्ल्ड पहले था, इस बात को ये दिखाता है इंट्रॉन का प्रेजेंस, और स्प्लाइसिंग का मतलब इंट्रॉन को हटा देना बाद में, क्योंकि पहले आरएनए था फिर डीएनए बना, इस चीज को भी वो थोड़ा बहुत प्रूफ कर रहा है। इन रिसेंट टाइम्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरएनए एंड आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेसेस इन द लिविंग सिस्टम हैव एज्यूम्ड मोर इंपॉर्टेंट। देखिए हमने अभी पढ़ा डीएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए से आरएनए बन सकता है, लेकिन क्या आरएनए से आरएनए बन सकता है? तो देखिए रेयरली ऐसा होता है। अब कुछ डिस्कवरीज जो हुए हैं, कुछ जो रेट्रो वायरसेस होते हैं उनके पास एक कैपेसिटी है कि उनका अपना आरएनए जो होता है, चूंकि वायरस है तो सिर्फ आरएनए या डीएनए हो सकता है, मान लो आरएनए है, तो उनको कुछ रेट्रो वायरस को आरएनए से पहले डीएनए फिर आरएनए बनाने की आवश्यकता नहीं होती, वो आरएनए से ही आरएनए बना लेते हैं। इस चीज का अब इंपॉर्टेंस अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो पूरा प्रोसेस है ये ठीक से समझ में आ गया होगा कि आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जेनेटिक कोड की, और जेनेटिक कोड जो है किस तरह से काम करता है, ठीक है, इनको भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, और आगे चल के इसमें किस किस तरह से अंतर आते हैं इनको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद टीआरएनए, इनके बारे में पढ़ेंगे, टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा है ना, और ये किस तरह से एमआरएनए के साथ बाइंड करता है, और फिर आगे चल के कैसे ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी इस वीडियो में हमको इतना ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि जेनेटिक कोड भी थोड़ा बड़ा है, इसको समझाने में करीब आधे घंटे लगेंगे, और अगर आधे घंटे में इसमें इंक्लूड कर देता हूँ तो करीब एक घंटे से या उससे ज़्यादा ही का बन जाएगा। तो मैं इसको अब अगले वीडियो में पढ़ाता हूँ जेनेटिक कोड को, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कृपया सब्सक्राइब करने का नहीं किए हैं तो मेरा चैनल, है ना, इससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा आगे बढ़ने में मेरे वीडियो को, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।